ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास थी ना बच्चे, उसमें मैंने बेसिकली क्या बताया था, उसमें मैंने ना कुछ टर्म्स डिस्कस की थी तुम्हारे साथ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है कि अगर जब आपका मेटल, कोई आपका सेंट्रल मेटल एटम किसी लिगेंड के साथ डायरेक्टली अटैच होता है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है ना। लिगेंड क्या होता है? लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा? जिसको चाहिए होंगे। किसको चाहिए होते हैं बताओ? सेंट्रल मेटल एटम को चाहिए होते हैं। सही बोल रही हूँ ना? अगर आप, आपको क्या करना होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है। उस पूरी टर्म को मैंने क्या नाम दिया था? कोऑर्डिनेशन स्फीयर नाम दिया था, है ना। फिर हमने देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम की, है ना। फिर हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। जितने लिगेंड के एटम होंगे, मतलब लिगेंड का जो, मान लो एक मॉलिक्यूल है लिगेंड का, उसमें कितने एटम हैं देने वाले, वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता था। मैंने कहा था ऐसे ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी। कितने लिगेंड है, डेंटिसिटी का मतलब क्या है कि एक लिगेंड के मॉलिक्यूल में कितने एटम है इलेक्ट्रॉन देने वाले। याद आ रहा है सबको? याद आ रहा है? यस अच्छा, मैम, और यस क्या मैम। किया था, और क्या डिस्कस किया था, एक बार देख लेते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ ना थोड़ा। और क्या डिस्कस किया था? ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर लिया था। होमोलेप्टिक मैंने बता दिया था कौन से होते हैं, जिसमें भैया एक ही टाइप का लिगेंड होता है। हिट्रोलेप्टिक वो होते हैं कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड होते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है FeCN6 जो है वो एक ही टाइप के लिगेंड है, CN, है ना। तो ये होमोलेप्टिक वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। लिगेंड्स मैंने बता दिया था लुईस बेस हैं, तीन टाइप के होते हैं, कैटायनिक, अनायनिक, न्यूट्रल। और आपको बता दिया था न्यूट्रल लिगेंड के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, और मैंने बता दिया था कि वो वाले लिगेंड्स कौन से हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, फिर मैंने डेंटिसिटी बताई थी। डेंटिसिटी क्या है? मान लो एक लिगेंड का मॉलिक्यूल है, उसमें कितने एटम है, कितने डोनर एटम है। अगर एक ही डोनर एटम है, उसको मैंने नाम दिया था मोनोडेंटेट लिगेंड, या यू कैन से यूनिडेंटेट लिगेंड। अगर दो डोनर एटम थे, मैंने उसको क्या नाम दिया था बच्चे? बाइडेंटेट लिगेंड। नोट्स मिल गए थे ना सबको? आज मैं यस क्वेश्चंस भी मैम, कराऊंगी, अगर हमारी जल्दी क्लास हो जाती है, क्वेश्चंस कराऊंगी और आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। जैसे EN सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बाइडेंटेट का, ऑक्सलेट आयन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बाइडेंटेट का। एक एक DMG भी होता है, उसको आप देखना जाके, मैम क्या बोली है, DMG, DMG देखना, डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइन, ये भी बाइडेंटेट ही होता है। भूलोगे नहीं, जो मैं बता रही हूँ तो उसको बिल्कुल नहीं भूलोगे। फिर मैंने कहा था ट्राइडेंटेट में तीन डोनर एटम होंगे। फिर मैंने आपको एक EDTA बताया था। EDTA क्या था बच्चे? इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसिटेट आयन, ठीक है। इसमें कितने देने वाले हैं भैया? छह बंदे हैं देने वाले, चार ऑक्सीजन दो नाइट्रोजन, ठीक है। और अगर चार्ज पूछे कोई EDTA पे कितने का चार्ज होगा, तो -4 का होगा, दो ये ऑक्सीजन वाले नेगेटिव और ये वाले, टोटल चार हो गए। फिर मैंने आपको बताया था एम्बिडेंटेट क्या होता है। एम्बिडेंटेट बच्चे मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड होता है, जिसमें दो डोनर एटम होते हैं। ध्यान रखना, जो दो डोनर एटम होंगे शुड बी डिफरेंट, मतलब सेम डोनर एटम नहीं होने चाहिए, टू डोनर एटम शुड बी डिफरेंट। ये वाली बात बतानी रह गई थी लास्ट टाइम, टू डोनर एटम शुड बी डिफरेंट, ठीक है। और एक टाइम पे एक ही देगा सेंट्रल मेटल एटम को। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, नाइट्रो में N भी दे सकता है और ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो N देगा तो उसका नाम हो जाएगा नाइट्रेटो N, और O से देगा तो नाइट्राइटो O। ऐसे इसमें HCN, अगर S से दे रहा है तो थाइसाइनेटो S, अगर N से दे रहा है तो थाइसाइनेटो N। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? CN, C से दे रहा है तो साइनो, अगर N से दे रहा है तो आइसोसाइनो। ये क्या थे? कुछ आपके एम्बिडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल थे। फिर उसके बाद मैंने डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताए थे। मैंने कहा था जो डबल सोल्ट होते हैं, पानी में जाने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, मतलब इंडिविजुअल आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और वो कंफर्मेटरी टेस्ट दे सकते हैं। जबकि जो आपके बच्चे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, वो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होते हैं, और नहीं होते तो वो अपना कंफर्मेटरी टेस्ट भी नहीं देंगे। और एक क्वेश्चन कर लिया था हमने, फिर उसके बाद एग्जाम्पल आपने देख लिए होंगे, उसमें नोट्स में देख लिए थे, ये कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। क्लियर हो गया जो कराया था? 20 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। हाँ जी बोलो बेटा। यस मैम, यस मैम, यस थोड़ा मैम, आई थिंक थोड़ा सा रिकॉल हो गया होगा सारा कि मैम ने क्या कराया था। आज है बच्चे, हमें करनी है वर्नर थ्योरी। क्या करनी है? वर्नर थ्योरी। तो साथ साथ हम करेंगे, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना। जो कराऊंगी डेली उसको रिवाइज करते रहना है, नहीं तो कोऑर्डिनेशन इजी है।
अगर मुश्किल बनाओगे तो वो फिर आपकी गलती होगी। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझते जाओ, रिवाइज करते रहो बस। और ध्यान रखना एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ एनसीईआरटी में ऑलरेडी बहुत अच्छा दे रखा है ये चैप्टर, इनऑर्गेनिक सारी एनसीईआरटी में बहुत अच्छी दे रखी है, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी और बुक में नहीं जाने की जरूरत है, जितना मैं करा रही हूँ वो मोर देन सफिशियंट होगा। चलो क्या है बच्चे हमारा टॉपिक लिखो बच्चे, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान से सुनना क्या बोलूं। देखो बच्चे जो ये वर्नर बंदा था ना, इसने ही सबसे पहले जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया था, मतलब इसने क्या किया था, कोबाल्ट और क्लोरीन के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी किया था, ठीक है, उसी से इंस्पायर होके बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर बन गए थे, ठीक है। आइडली तो आप जब बुक देखो ना, आप जब बुक देखोगे कोई भी उठा के, सबसे पहले वर्नर थ्योरी से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले बेसिक टर्म्स बताई थी, क्योंकि वो बेसिक टर्म्स इस वाले टॉपिक में भी यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी है वर्नर थ्योरी, फिर आपकी अलग अलग थ्योरी है, वीबीटी है, सीएफटी है, जो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चे वर्नर ने क्या बोला था, वर्नर ने ये बोला था, लिखो, मेटल पोजेस टू टाइप ऑफ वैलेंसी, कि भैया जो आपका मेटल है ना वो दो टाइप ऑफ वैलेंसी पोजेस करता है, उसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है। साथ साथ लिख लेना, इसके नोट्स देखती हूँ आज मिलेंगे या नहीं, वरना कल कर दूंगी सेंड, इसलिए कह रही हूँ साथ साथ लिखना। देखो मेटल दो टाइप की वैलेंसी पोजेस करता है, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है बच्चे सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। अभी प्राइमरी वैलेंसी क्या सीन है, देखो आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी फिर डायरेक्ट एग्जांपल करेंगे। देखो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ना आयनाइजेबल होती है, पहले पॉइंट लिख लो फिर एग्जांपल से समझेंगे। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है बच्चे आयनाइजेबल होती है, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन पानी में जाने के बाद भैया आयनाइज होगा। सेकंड है, प्राइमरी वैलेंसी को आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, जो प्राइमरी वैलेंसी है, अभी तो मेरे को पता है सब कुछ ऊपर से जा रहा होगा जब तक एग्जांपल नहीं कराऊंगी, लेकिन लिख लो, लिखना जरूरी है इसको। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय इट्स अनायंस या नेगेटिव चार्ज, लिख रहे हो बच्चे साथ साथ? यस मैम। गुड, अभी मेरे को पता ऊपर से जा रहा होगा, कोई बात नहीं, लिख लो। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है बच्चे, नॉन अनायंसेबल होती है, ये नॉन अनायंसेबल होती है, और इसको आप बोल सकते हो टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ जाना, जब भी सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रही हूं मैं आपसे। थर्ड, प्राइमरी वैलेंसी जैसे सेटिस्फाई करता है नेगेटिव चार्ज या अनायन को, ऐसी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय इट्स, लिख लो, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय इट्स नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। तीन पॉइंट लिख लिए, बताओ मैम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तीनों होती है ना न्यूट्रल पे? न्यूट्रल मतलब बच्चे कोई चार्ज नहीं होता उसपे, न्यूट्रल तो इसमें मैं ये बोल रही हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल तीनों होती है ना? नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय इट्स नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगी अर्षिता, फिर अर्षिता ने पूछा क्या, स्तुति, ठीक है बच्चे, मैं अभी एग्जांपल कराऊंगी, उससे ज्यादा क्लियर होगा बेटा तुम्हें, ठीक है। चले आगे, ये पॉइंट्स लिख लिए, यस मैम। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखो प्राइमरी वैलेंसी में, कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, लिखो प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं, डायरेक्शनल होती है। सेकेंडरी वैलेंसीज सारा जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम एग्जांपल से समझेंगे, आर डायरेक्शनल, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय इट्स नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब क्या है बच्चे,
सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या है कि ये हमें क्या बताता है, लिखो, और टेल्स अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की क्या ज्योमेट्री है, ये हमें सेकेंडरी वैलेंसी बताती है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स की, आपकी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी है, स्क्वेयर प्लानर है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वेयर प्लानर है, टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है, ये तुमने आई थिंक वहां देखे है ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ना, बताओ स्क्वेयर प्लानर कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा है ना, टेट्राहेड्रल कैसा होता है, ऐसा, ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, इस तरह से, ठीक है, याद आ रहा है मैम? सेकंड पॉइंट दिखा दीजिए। ओके, सेकंड पॉइंट है बच्चे तुम्हारा कि आप सेकेंडरी वैलेंसीज को क्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हो, प्राइमरी वैलेंसी को क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर बोले कि भैया प्राइमरी वैलेंसी निकाल दो, मतलब एग्जामिनर आपसे ये जानना चाह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, अगर वो बोल रहा है इस कॉम्प्लेक्स का सेकेंडरी वैलेंसी बता दो, तो इट मीन्स वो आपसे पूछना चाह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। और मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया, एक बार फिर दिखाऊंगी जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है, ताकि फिर समझ में आ जाए, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैं दोबारा सिखाऊंगी, ठीक है, चले क्या, बताओ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल शुरू कर दो लिखना, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन है ये, लिखो इसको क्या है, अभी नेमिंग नहीं बता रही क्योंकि नेमिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3, ये आपका एग्जाम्पल है। तो इसमें हम क्या क्या बातें करेंगे, एक तो करेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी बता दो, मैं PV से लिख रही हूँ, सेकेंड बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर, और थर्ड बताना है बच्चे कि कितने नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे जब आप इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालोगे, नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड इन वॉटर, फर्निश्ड इन वॉटर, और फोर्थ क्या बताना है, इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले हम ये देखते हैं बच्चे, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, प्राइमरी वैलेंसी पूछ रहा है, सारे सुनो ध्यान से, प्राइमरी वैलेंसी पूछ रहा है, इट मींस क्या निकालनी है बताओ, प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, कैसे निकालोगे, एक्स, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, पढ़ा ना घर पे जाके तुम लोगों ने, मैंने कहा था पढ़ना है, क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 का, तो एक्स इज इक्वल टू +3, तो क्या हो गया +3, ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा इस केस में, +3। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोला था, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, कितने लिगेंड है, 6, डेंटिसिटी मतलब कि जो आपका लिगेंड का मॉलिक्यूल है उसमें देने वाला कितना प्राणी है, कितने एटम है, सिर्फ नाइट्रोजन ही है देने वाला, तो 6 × 1 = 6, क्लियर हुआ, पहले तो ये बताओ, ठीक है, सारे बताओ, 24 बच्चे हैं, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन आता है, छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे अगर मैं ये बोलूं कि पानी में डालने के बाद मुझे कितने आयंस मिलेंगे, पानी में डालने के बाद टोटल कितने आयंस मिलेंगे, तो देखो मैंने कहा था जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो तो एज इट इज रहेगा, प्लस जो ये बाहर है ये डिसोसिएट हो जाएंगे, तो टोटल कितने मिले, 3 ये मिले और 1 इसका मिला, टोटल कितने आयंस मिले पानी में बताओ, 4 मिले, आगे समझ में, बताओ, अभी और भी एग्जांपल है, तुम टेंशन ना लो, ठीक है, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद फोर्थ वाला पूछते हैं कि स्ट्रक्चर बना दो, इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना दो, तो एक बार मैं कॉम्प्लेक्स को फिर से लिख रही हूँ ताकि तुम्हें पता चले मैम कौन से कॉम्प्लेक्स की बात कर रही है, मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला था बच्चे, जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है वो डिसाइड करती है, वो बताती है हमें इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या है, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसकी, 6 है, हाँ या ना बोलो, 6 है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, तो सेकेंडरी वैलेंसीज को बच्चे हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, देख रहे हो सारे, किससे दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, यही तो बोला, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय इट्स आयंस और न्यूट्रल लिगेंड्स। अब देखो यहाँ पे कोई आयन तो है नहीं सेकेंडरी वैलेंसी में, तो सारे के सारे NH3 हैं, तो कर दिया सेटिस्फाई, 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी को हम किससे दिखाते हैं, कौन है प्राइमरी वैलेंसी, ये है, कौन है, ये है,
इसको कैसे दिखाते हैं हम, डैश से दिखाते हैं, इस तरह से, इस तरह से, समझ रहे हो? बताओ, मैंने बोला प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, देख पा रहे हो पानी के पानी में जाने के बाद तीन आयंस मिल रहे हैं। मैंने कहा था सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है, मतलब पानी में जाने के बाद एज इट इज रहेगा, तो देखो एज इट इज ही है, समझ में आया? बताओ। यस मैम, यस मैम, इसका एक क्वेश्चन ये बनता है, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी बता रही हूँ कि जब आपने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, ध्यान से सुनना, AgNO3 के साथ ट्रीट करवाया, AgNO3 के साथ ट्रीट करवाया, तो आपको कितने मोल AgCl मिलेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? जब आपने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट करवाया तो भैया कितने आपको AgCl मिलेंगे? ध्यान रखना, जो सिल्वर होता है ना उसकी स्ट्रोंग टेंडेंसी होती है हेलोजन को खींच के लेके जाने वाली। अब देखो यहाँ पे कितने हेलोजन है, ये तो आयनाइज होगा नहीं, ये तो एज इट इज रह जाएगा। कितने मिलेंगे आपको? तीन मिलेंगे, तो भैया Ag जो है तीन के साथ चिपक के क्या बना लेगा बताओ? 3 AgCl बना लेगा। यानी कि अगर कोई पूछ ले कि यहाँ पे AgNO3 के कितने इक्विवेलेंट यूज होंगे, तो क्या बोलोगे, कितने इक्विवेलेंट चाहिए हमें? तीन इक्विवेलेंट थ्री चाहिए। क्लियर हुआ? बोलो बोलो, यस मैम, यस मैम, मैम वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ओके। उसके बाद मैम, है हमने कराया क्यों रिएक्शन? बच्चे, एक्चुअल में क्या था, जो वर्नर था ना उसने क्या किया था, पहले तो ये सारी चीजें बता दी कि भैया मेटल है, दो दो टाइप की वैलेंसी पोजेस करता है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या देखा, उसने ना इनकी रिएक्शंस करा के देखी, ठीक है। उसने क्या किया, इनकी रिएक्शंस करा के देखी एक्सेस ऑफ AgNO3 से, जिनको उसको जिससे उसको पता चला कि भैया कितने मोल ऑफ AgCl मिलेंगे। और इन रिएक्शन, मैं आपको अभी सारे एग्जांपल बताऊंगी, फिर उन सारी रिएक्शन को कंपेयर करके उसने ये बताया कि भैया इस वाले की कंडक्टेंस इतनी होगी, इस वाले की कंडक्टेंस इतनी होगी। यानी कि इन सभी रिएक्शन से वो कंडक्टेंस का भी आइडिया लगा पा रहा था कि किस केस में कंडक्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है, समझे स्तुति? यस मैम, ठीक है, अभी सारे एग्जाम्पल करते हैं। एक तो ये है, और ध्यान रखना कंडक्टिविटी, जब मैं आपको वो करा रही थी, क्या करा रही थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैंने कहा था जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी तुम्हारी कंडक्टेंस, बोल दो, या कंडक्टिविटी होगी, या कंडक्टेंस लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, कंडक्टेंस, ठीक है जी। बोलो, ये बताया था मैंने। उसके यस मैम, बाद यस सेकेंड मैम, एग्जाम्पल लिखो, सेकेंड वाला लिखो, और तुम करोगे वो ट्राई, एक यस सेकेंड मैम, रुको, तो भी देखना पड़ेगा थोड़ा, ओके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है CO Cl NH3 5, फिर हम सबको कंपेयर करेंगे, एक टेबल पहले सारा सीखेंगे, फिर एक टेबल में जो है सारी इसका समरी देखेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसका, प्राइमरी वैलेंसी बता दो, प्राइमरी वैलेंसी बता दो। सेकंड क्वेश्चन बनता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, या बोल दू सेकेंडरी वैलेंसी बता दो, निकालो निकालो सारे। थर्ड बनता है बच्चे इसका टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे हमें पानी में, टोटल नंबर ऑफ आयंस। और फोर्थ होता है इसका स्ट्रक्चर बता दो, क्या बता दो, स्ट्रक्चर बता दो। तो देखो कैसे करोगे इसको बच्चे, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बच्चे, थ्री X-1 ये तो 0 होगा, -2 तो कितना हो जाएगा, +3। प्लस थ्री फाइव सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी इसकी बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या होगा, फाइव। फाइव और एक ये भी तो है Cl, तो है सिक्स Cl भी तो लिगेंड है। सेकेंडरी वाले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड है आपके सेंट्रल एटम से, पांच तो ये हो गए और एक ये हो गया, तो कितना हो गया, छे। अरे Cl भी तो लिगेंड है, भूल गए क्या, Cl यूनि नेगेटिव लिगेंड है, और NH3 आपका, NH3 क्या है आपका, न्यूट्रल लिगेंड है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ये हर्षिता, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कोबाल्ट की निकालनी है तो उसको एक्स मान लो, क्लोरीन का क्या चार्ज होता है क्लोरीन पे, -1 का, NH3 न्यूट्रल है तो 0, साथ में Cl2 है तो -2 = 0, तो फाइव कितना आ जाएगा हर्षिता, +3 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? अब बताओ तो जीरो क्वेश्चन आएगा ना, टोटल क्या बोल रहे हो, नंबर ऑफ आयंस। टोटल नंबर ऑफ आयंस कैसे करोगे, पानी में डालोगे तो एक तो आपको ये मिलेगा,
और जो मैंने कहा था प्राइमरी वैलेंसी होती है वो अनएजेबल होती है, प्राइमरी वैलेंसी अनएजेबल होती है, तो भैया कितना मिला? 2 Cl नेगेटिव, तो टोटल कितने आयंस मिले? 2 और 1 बताओ, 3। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? मैंने कहा था जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो डिसाइड करती है इसकी ज्योमेट्री, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। बना दो फिर 5 NH3 बना दो, देख पा रहे हो 5 NH3 और 1 Cl बना लो, यानी कि भैया जो सेकेंडरी वैलेंसी थी वो न्यूट्रल लिगेंड के थ्रू भी सेटिस्फाई हुई है और नेगेटिव आयन के भी, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी में सीएल भी इंक्लूड है ना, तो ये भी भैया ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन लेकिन प्राइमरी वैलेंसी मैंने कहा था कैसे सेटिस्फाई होगी? बाय ओनली नेगेटिव आयंस। तो नेगेटिव कौन कौन से? 2 Cl है, बना दो इसको ऐसे, बना दिया, साथ में एक ये भी तो सीएल ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो इसको भी कैसे दिखा दोगे? डैश से दिखा दोगे, यानी कि भैया जो ये वाला सीएल है वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी कर रहा है, और किसको कर रहा है बताओ? दोनों को कर रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ। वेरी गुड, दोनों लाइन से डिनोट होगी, डार्क और लाइट वाले। सॉलिड लाइन में किसको दिखा रही हूँ? सॉलिड लाइन में बच्चे सेकेंडरी वैलेंसी को दिखा रही हूँ, और जो डॉटेड वाली लाइन है उसको किससे दिखा रही हूँ? प्राइमरी वैलेंसी के लिए दिखा रही हूँ। समझे? बताओ, बोलो। Yes, अगर मैं इसके बारे में तुम्हारे वाला क्लोरीन ही होगा आयनाइज। क्या कह रहे हो बच्चे? मैम जो कोबाल्ट के साथ है क्लोरीन, वो वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना बच्चे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब पानी में डालोगे तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, वो आयनाइज नहीं होता है, सिर्फ ये वाले आयनाइज होंगे Cl2 वाले। ठीक है अर्षिता, इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पानी में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, वो एज इट इज रहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं AgNO3 के साथ तो मुझे बताओ कितने मोल मिलेंगे AgCl के? बताओ मैम, 3। 3 कैसे मिलेंगे बच्चे? 2 ही Cl है ना मैम, एक अंदर है, अच्छा वो नहीं निकलेगा, अंदर वाला तो एज इट इज रहेगा ना। ये देखना सिंपल, ऐसे याद रखो जितने बाहर Cl होंगे ना उतने ही मिलेंगे, बाहर कितने? 2, तो 2 मोल मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? बताओ। यस यस मैम। आगे चलो, एक सेकंड। यस मैम, एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड, मुझे 2 और पेज चाहिए होंगे। हाँ अब एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो तुम करो जल्दी से और मुझे बताओ क्या होगा। करो, CO Cl2 NH3 4 Cl। अब इसमें तुम्हें क्या क्या बताना है? प्राइमरी वैलेंसी बतानी है, अब तो समझ में आ गया होगा, PV बतानी है, सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले पानी में? पहले मत बताओ मनोज, बच्चे पहले मेरे को लिखने दो, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे? ठीक है, और क्या बताना है कि भैया जब इसको मैंने AgNO3 के साथ ट्रीट कराया तो मुझे कितने AgCl मिलेंगे? बताओ जल्दी करो। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बच्चे, क्या होगा? प्राइमरी वैलेंसी +3 होगा मैम, +3। वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? वेरी गुड, और टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे? 2। वेरी गुड, और AgNO3 के साथ 2. एक ही मोल मिलेगा HCl का, हो जाएगा। आप बताओ। यस मैम। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं क्या? एक बार इसका बना के दिखा दे तू, फिर दूसरे वाले का नहीं बनाऊंगी। सेकेंडरी वैलेंसी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो क्या बताती है? ज्योमेट्री बताती है। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ज्योमेट्री होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो 4 NH3 लगा दो, 2 Cl लगा दो। ठीक है, अब प्राइमरी वैलेंसी में, प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? अनायन। कौन कौन से हैं? Cl, यानी कि ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे और प्राइमरी को भी, और ये Cl सिर्फ किसको करेगा? प्राइमरी को करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना तो पेपर में नहीं आता लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद ये वाला करो, एक और करो, CO Cl3 NH3 का होल थ्राइस। अब इसमें भी सेम चीज बता दो बच्चे, पीवी बता दो, एसवी बता दो सेकेंडरी वैलेंसी, और ये बता दो कि कितने नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे पानी में। और जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी AgNO3 के साथ तो मुझे कितने मोल मिलेंगे AgCl के? बताओ। +3 सारे second. बोलो, चैट बॉक्स में बोलो भाई, 24 बच्चे हैं, मुझे सिर्फ 3-4 बच्चों का रिप्लाई आ रहा है।
प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो 3 होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। हाँ, एक बार स्तुति एक बार बोलने दो सबको। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। आयंस कितने मिलेंगे पानी में? 1 नहीं, 0 मिलेंगे। 0 क्यों मिलेंगे? देखो, इसमें ही ट्विस्ट था। देखो, यहाँ पे तो कोई सीएल नहीं है ना, तो ये एज इट इज ऐसे मिल जाएगा ना हमें। कोई आयन कहाँ मिल रहा है हमें? कोई चार्ज है यस क्या? मैम, ये तो सॉलिड फॉर्म में है मतलब ना, कोई कंपाउंड मिल चार्ज रहा ही है। नहीं है। जबकि इसमें क्या था बच्चे, देखो इसमें ऐसा बनना था NH3 4+ और प्लस Cl-, ठीक है? तो हम बोल रहे थे कि 2 मिलेंगे। आयंस बोले ना, आयंस मतलब क्या होता है? कोई या तो कैटायन होगा या एनायन होगा। ये तो न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? याद रखना, इस केस में 0 होगा। अब यहाँ पे बाहर कोई सीएल नहीं है, मतलब कितने मोल ऑफ AgCl मिलेंगे? मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। क्लियर हो गया? बताओ यस मैम, जल्दी से यस चैट मैम। करके मुझे बता दो। ये चैप्टर तुम सबके लिए नया है ना, जल्दी से मुझे बता दो चैट बॉक्स में। वेरी गुड अर्षिता, डिंपल, स्तुति और बाकी आशिया। समझने की कोशिश करो बच्चे, इजी है। नहीं आया तो एक बार मुझसे पूछ लो बेशक। नहीं आया क्योंकि नया चैप्टर है ना, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो पूछ लो मेरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मुझे ऊपर हाँ वाले बेटा, क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आयंस वाला समझ नहीं आया मैम। सीएल जो ये है वाला। ये, हाँ ये टू हाँ कैसे बोलो बोलो। आएगा? मैं देखो बच्चे, टोटल नंबर ऑफ आयंस, आयंस क्या होता है? कैटायन और एनायन होता है मैग, हाँ या ना? तो जब आप इसको बच्चे पानी में डालोगे, तो क्या जो बाहर है वो, तो मैंने अभी बोला ना, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है। तो जो ये सीएल है वो तो भैया आयनाइज हो गया Cl- में। और मैंने आपको सिखाया था बच्चे लास्ट क्लास में, ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए आपका, वो शुड बी न्यूट्रल होना चाहिए। अगर ये -1 है तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आएगा? +1 आएगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा ना वो, इलेक्ट्रिकल कह रही हूँ सॉरी, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गए। क्लियर है अब? यस मैम, ओके, किसी और को डाउट? आई थिंक मनोज का भी यही डाउट था, अब क्लियर हो गया। जबकि यहाँ बच्चे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रल है, तो मतलब आयंस मिले ही नहीं आपको, 0 आयंस है, ठीक है? इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना। अच्छा, अब मुझे मैम ये कहाँ चार्ज कितना है पे बेटा? प्लस मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में? CuCl2NH3 वो वाली। ओके 1 का है ना बेटा, मैम, क्योंकि चार्ज शुड बी न्यूट्रल ना। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपका ओवरऑल कॉम्प्लेक्स होगा, चार्ज शुड बी न्यूट्रल। अगर इस पे -1 का है तो ऑटोमेटिकली इस पे कितना होना चाहिए? +1 का होना चाहिए, हाँ या ना? बताया था ना मैंने तुम्हें, यस तो मैम, +1 -1 न्यूट्रल होगा। तो कितने आयंस मिले? एक ये वाला और एक ये वाला, 2 हो गए। इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं था, इसलिए क्या आया? 0 आया। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। उसके बाद देखो बच्चे, जो मैंने तुम्हें अभी बताया है, यहाँ पे आओ, जो मैंने तुम्हें बताई समरी है। देखो, अगर तुम 1 मोल ऑफ CuCl3 × 6H × कह रही हूँ, डॉट C6NH3 ले लेते हो, आपको क्या मिलेंगे? 3 AgCl मिलेंगे। देख पा रहे हो क्या सारे? देखो इधर, यस मैम, इसको मैं यस ऐसे लिख मैम, सकती हूँ ना, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखो इधर CONH3 6, ये वही तो है जो मैंने पहला एग्जाम्पल कराया था तुम्हें। 3 AgCl मिलेंगे इसको, जब आप किससे ट्रीट कराओगे? AgNO3 के साथ, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेशियो क्या होगा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 1:3 होगा, 1:3 होगा। देखो ना, 1, ये 3 मिले हैं, 1:3। अगर 5 NH3 ले लोगे तो 2 मोल मिलेंगे AgCl का, इसका रेशियो क्या होगा? 1:2 होगा। समझ पा रहे हो? बताओ, यस मैम, ठीक है? अब जब आपने 1 मोल इसका लिया तो आपको 1 मोल AgCl का मिला, तो रेशियो क्या होगा? 1 होगा। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन में। इसका क्या लिया बच्चे आपने? 1 मोल लिया, ये फिर से रिपीट हो गया। इसकी जगह आना चाहिए था ये वाला, जो मैंने आपको लास्ट में कराया ना, वो रिपीट हो गया आई थिंक। ये आना चाहिए। इस केस में क्या होगा? 0 मोल ऑफ AgCl मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि ये क्या बन जाएगा? CONO3 कहाँ पे है बच्चे? NO3 कहाँ गया? NO3 तो मैंने बताया ही नहीं कुछ भी, ठीक है? तो ये जब आप करवाओगे
जीरो मोल ऑफ AgCl मिलेगा, मतलब AgCl मिलेगा ही नहीं। AgNO3 के साथ हुआ था ना रिएक्शन, वही बोल रहे हैं NO3। अच्छा, वो कर, कोई दिक्कत नहीं, आप AgCl के साथ वो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। लो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लो अब ठीक है, अब ठीक है क्या? हाँ जी मनोज, अब ठीक है क्या बेटा? ठीक है ना, जब वन मोल ऑफ AgNO3 इसके साथ रिएक्ट किया, तीन मिले, इसके साथ किया दो मिले, इसके साथ किया एक मिला, और ये इन्होंने रिपीट कर दिया गलती से, एक्चुअल में ये आना चाहिए था, तो आपको जीरो मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, बच्चे ध्यान से सुनना, ओहो एक सेकेंड, अगर मैं आपसे बोलूं कि इन तीनों के केस में, जो ये ऊपर वाले तीन लिखे हुए हैं, इन तीनों के केस में कंडक्टेंस किस केस में ज्यादा होगी, तो बताओ किस केस में ज्यादा होगी, फर्स्ट में, सेकेंड में, या थर्ड में? फर्स्ट में, फर्स्ट में, क्योंकि कितने नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं आपको, तीन और एक चार, चार आयंस, इसमें कितने मिल रहे हैं, तीन आयंस मिल रहे हैं, इसमें कितने मिल रहे हैं, दो आयंस मिल रहे हैं, तो मैंने कहा कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, तो कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की, फिर सेकंड वाले की, और फिर थर्ड वाले की। क्लियर हुआ, बताओ? यस मैम। मैम इसमें क्लोरीन कोबाल्ट के साथ ही है, पर जो आपने कराया था उसमें तो अलग लिखे हुए थे क्लोरीन। मैंने कब अलग लिखा बच्चे, मैंने यही तो लिखा हुआ था, देखो कहाँ गए। मैम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं किया ना, तो शायद कंफ्यूजन हो रही होगी। एक सेकंड, एक सेकंड, कहाँ गया भाई, कहाँ गया? एक सेकंड, क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना। ओके, हाँ मैंने ये करवाया था, देखो बच्चे मैंने भी अलग अलग लिख रखा है, ये देखो उन्होंने भी वही लिख रखा है, ये देखो ये प्लस का नहीं लगाया ना उन्होंने बीच में, इस वजह से प्लस का लगाओ या नहीं मर्जी है, एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, जो पहले कॉलम में लिखे हुए हैं वो वाले। मैम ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा इसीलिए कंफ्यूजन है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पेपर में भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है, आपको कैसे गेस करना है वो आपको लिख के देंगे कि भैया वन मोल जो है तीन AgCl दे रहा है, तो अगर कोई आपको बोले कि इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम अगर तीन AgCl दे रहा है ना, तो मतलब जो Cl है तीन वो क्या होंगे, बाहर रहे होंगे, तभी AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें तीन AgCl मिले। अब समझ में आ गया अर्षिता? यस मैम। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, सेकंड वाले को लिखोगे, दो AgCl मिल रहे हैं, मतलब बाहर कितने AgCl होंगे, बाहर सॉरी कितने Cl होंगे, दो होंगे, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर एक मोल AgCl का मिल रहा है, मतलब बाहर कितने होंगे, एक Cl बाहर एक होंगे। अब समझ गए सारे, बताओ? यस मैम, नो डाउट। उसके बाद बच्चे एक ना हमारा टॉपिक रह गया था चिलेशन वाला, ठीक है, मैंने आपको चिलेशन वैसे तो डेंटिसिटी के साथ बता देना चाहिए था, बिल्कुल इजी है, ध्यान से सुनो, लिख भी सकते हो इसको। चिलेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा हेक्सा के एग्जाम्पल बताए थे ना, तो वही ये बोल रहे हैं बच्चे, अगर आपके पास कोई लिगेंड ऐसा है मान लो जिसमें दो डोनर एटम है, जिसमें देने वाले दो डोनर एटम है, कैसा एग्जाम्पल होगा, मान लो EN है, EN क्या होता है, इथाइलिन डायमीन होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो नाइट्रोजन है देने वाले, याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है, ये स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ये बताया था मैंने, देखो दो उसमें होते हैं, ये देखो एक सेकेंड, ये मैं बना रही हूँ ब्लू से, देखना एक बार, देख रहे हो ऊपर बना रही हूँ, बिल्कुल ऊपर, तो देखो एक तो ये नाइट्रोजन देगा और एक ये नाइट्रोजन देगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेन 1,2 डायमीन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, EN, आपको ये तो बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा, आपको जनरली EN ही मिला हुआ लिखा हुआ मिलेगा, तो ये कैसा एग्जाम्पल है बच्चे, बाइडेंटेट का एग्जाम्पल है ना, इसमें दो डोनर एटम है, तो इसमें क्या बोल रखे हैं बच्चे, चिलेशन क्या होता है, द लिगेंड मे कंटेन टू डोनर एटम positioned in such a way that a 5 or 6 membered ring is formed with the metal ion. मतलब जिसकी density, मान लो इसके दो donor atom है, यानी कि bidentate ligand है, तो ये metal atom के साथ इस तरह से attach होगा कि
कि वो क्या बना ले, एक रिंग बना ले, चाहे वो 5 membered रिंग हो चाहे वो 6 membered रिंग हो। और ऐसे ऐसे वाले लिगेंड को क्या बोलते हैं बच्चे, हम चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। और जो रिंग बनती है उसको हम क्या कहते हैं, चिलेट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिलेट रिंग। पहले देख लो फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अच्छा, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले इसकी ये करेक्टरिस्टिक है बच्चे, जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं ना वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो चिलेटिंग लिगेंड कौन कौन से होंगे, चिलेटिंग लिगेंड बाइडेंटेट वाले, ट्राई वाले, टेट्रा वाले, पेंटा वाले, हेक्सा, मतलब जिनकी डेंटिसिटी एक से ज्यादा होगी, जिनकी डेंटिसिटी एक से ज्यादा होगी वही जो है रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। और यहाँ देखो सेकंड पॉइंट क्या है, जितनी ज्यादा डेंटिसिटी होगी उतना ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा बच्चे, स्टेबल होगा। पहले बताओ ये पॉइंट लिख लिए क्या तुम लोगों ने, बस 2 मिनट। हाँ लिख लो, सारे लिख लो, एकता, अमन, आयुष, बच्चे आ रहे हैं, अनस, आनंद, समझ में आ रहा है, कशिश, जिया, रोहन, रुचि, सौरव, श्वेता, निलेश, चलो बढ़िया बढ़िया। ऐसे मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताते रहो बच्चे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है तुम लोगों के लिए, फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये सब चीजें, है ना, तो धीरे धीरे करेंगे, डोंट वरी। ओके, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगी, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम है ना थोड़ा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, बाकी वो मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूं। लिख लिया क्या? Yes, I'm done. से समझते हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये देखो, अगर मैं मान लो आपका ये वाला एग्जांपल लेती हूँ इथाइलिन डायमीन का, अब देखो देने वाले कौन है, दो है, नाइट्रोजन है, तो ये मेटल को कैसे देंगे, ऐसे देंगे, तो देखो कितनी मेंबर्ड रिंग बनी है, देखो इधर 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर रिंग बन गई, यानी कि जो EN है वो क्या है आपका बेटा, चिलेटिंग लिगेंड है। क्या है, चिलेटिंग लिगेंड है। ऐसे ही ऑक्सलेट आयन भी मेटल से कैसे अटैच होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से देगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो कितनी मेंबर रिंग बनी, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये भी कैसा है, जो आपका ऑक्सलेट आयन है वो भी कैसा लिगेंड है बच्चे, चिलेटिंग लिगेंड। और मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो आपके रिंग वाले, जब आपकी किसी भी चीज में रिंग बन जाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक के केस में हो चाहे इवन इनऑर्गेनिक के केस में हो, रिंग अगर 5 membered और 6 membered रिंग बनती है ना तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है देन 7 और 8 members से। तो आप लिख सकते हो 5 और 6 वाली जो होती है आर मोर स्टेबल देन 7 and 8 membered रिंग, ठीक है। और जो आपके यूनिडेंटेट लिगेंड होते हैं वो तो बिहेव ही नहीं करते चिलेटिंग लिगेंड, ध्यान से सुनना, चिलेटिंग लिगेंड की तरह कौन बिहेव करेंगे, जिनकी डेंटिसिटी क्या होगी, या तो 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी, यानी कि या तो वो बाइडेंटेट होंगे या ट्राई होंगे, टेट्रा, हेक्सा या ये होंगे, ठीक है। यूनिडेंटेट के केस में रिंग नहीं बनती है, रिंग बनने की वजह से स्टेबिलिटी इसलिए आती है क्योंकि बच्चे जब रिंग बनती है ना तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है ना, जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो रिजिड हो जाता है, रिजिड का मतलब एक स्टेबिलिटी आ जाती है, जबकि जो यूनिडेंटेट लिगेंड है उसमें कोई रिंग नहीं बनती, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फ्लेक्सीबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब कैसे भी घुमा सकते हो। आपको मैंने आपको आई थिंक पता नहीं किसमें बताया था कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होती है, बताया था, याद है क्या, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होती है, जबकि यूनिडेंटेट में क्या है, यूनिडेंटेट का कुछ भी बना दो, ये बना दिया सपोज, ये बना दिया 11th के चैप्टर में आपने बताया था, इसमें तो कोई बना ही नहीं हुआ ना, इसमें तो रिंग ही नहीं बनी, कैसे भी घुमा दो बॉन्ड को घूम जाएगा, लेकिन रिंग बनने की वजह से क्या होती है, रिंग में रिजिडिटी आ जाती है और रिजिडिटी रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखना जो चिलेटिंग लिगेंड है वो क्या करेंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और कौन कौन से चिलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, जिनकी डेंटिसिटी 2 हो या 2 से ज्यादा हो, यानी कि सिंपल ये समझो कि जो मोनोडेंटेट वाले लिगेंड है वो बिहेव नहीं करेंगे एज अ चिलेटिंग लिगेंड। समझ गए, समझ आ गई बात? Yes. सारे बोलो, वेरी गुड। ओके, उसके बाद मैंने आपको, जब मैं लास्ट क्लास ले रही थी बच्चे, तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाई थी, और मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बोला था कि जो आपका NO है, विच इज योर नाइट्रोसिल, वो बिहेव करता है एज अ न्यूट्रल लिगेंड, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, याद आ रहा है क्या सबको, जिसने मेरी क्लास अटेंड की थी, नाइट्रोसिल मैंने कहा था न्यूट्रल लिगेंड है, बताया था,
दो ऐसे केसेस हैं बच्चे, इस चीज को ध्यान रखना, ये दो ऐसे केसेस हैं जिसमें एनओ जो है बिहेव करता है एज अ नाइट्रोसोनियम आयन, मतलब एनओ यहाँ पे एज अ एनओ प्लस की तरह बिहेव करता है, तो आपको ध्यान रखना है ये दो ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें एनओ की ऑक्सीडेशन स्टेट आप +1 लेंगे, इसके अलावा कोई और कंपाउंड मिलता है तो उसमें एनओ को एज अ न्यूट्रल लिगेंड मानेंगे, तो इसलिए मैंने लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना है। पहले वाला क्या है लिख सकते हो, पहले वाले का नाम क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे ना इस वाले रिएजेंट का यूज करोगे, ठीक है। और जब आप रिंग टेस्ट करोगे जिसमें बेसिकली सल्फेट आयंस की डिटेक्शन के लिए होता है, वो रिंग बनती है, ठीक है, इसको इस केस में भी क्या होगा, जो एनओ है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, +1 होगी। निकाल के देखो एनए की क्या होती है, +1 होती है, कितने हैं, दो हैं, प्लस एक्स साइन साइनाइड पे -1 का चार्ज होता है, टोटल कितने हैं, 5 है, तो -5, एनओ यहाँ पे बिहेव कर रहा है एनओ प्लस की तरह, तो +1, तो कितनी आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की, +2। इसमें कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस फाइव जीरो है, वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, और एनओ यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है, एनओ प्लस की फॉर्म में बिहेव कर रहा है, और इज इक्वल टू मतलब जो भी पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है उसको हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू में रखते हैं, तो यहाँ पे जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 आ जाएगी, और इस केस में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2। बोलो ये वाली चीजें नोट कर ली क्या, बोलो अर्षिता, सौरभ, आनंद, वेरी गुड। अब तक जो कराया है जिसको थोड़ा सा भी क्लियर नहीं है बताओ, फिर नहीं तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो मुझे बता दो फिर मैं क्वेश्चन करवाऊ, वरना बताओ क्वेश्चन करवाऊ क्या। दूसरे वाले का क्या नाम था, दूसरे वाले का, उसका बच्चे वैसे तो कोई नाम नहीं था उसका, कहाँ गया, एक सेकेंड रुक जाओ, इसका नाम ना हम आयुटेक नेमिंग में सीखेंगे बच्चे, इसका भी और इसका भी, लेकिन जनरली क्या होता है, इसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बोलते हैं जो आपके लैब में रिएजेंट होता है, ठीक है, जो आपके इसका तो एक्वा होगा ना, हाँ, वो मैं बाद में बताऊंगी, जो आप सल्फेट आयंस के डिटेक्शन के लिए टेस्ट करते हो ना लैब में, उसमें ये कंपाउंड की फॉर्मेशन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रिंग, ब्राउन कलर का होता है ये कलर इस कॉम्प्लेक्स का, हम बोलते हैं रिंग बन गई है, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। इसकी नेमिंग मैं तब कराऊंगी जब मैं आपको आयुपिक नेमिंग कराऊंगी, समझ गए, अब क्वेश्चन कर लें क्या, बताओ। यस मैम, एक मिनट रुक जाओ, मैंने यहाँ पे कहाँ गई ओपीडीएस, एक सेकेंड रुक जाओ, दिख पा रहा है सबको ये बच्चे, जितना अभी होगा हमारे पास, हाँ जितना अभी हम कर पाएंगे उतना कर लेंगे, बाकी मैं आपको सबके सॉल्यूशन है, तुम टेंशन ना लेना, सबके सॉल्यूशन है, ठीक है। तो स्क्रीन तो विजिबल है, ये थोड़ी और बड़ी करूँ, इतनी सही है ना, नॉर्मल है मैम, सही है। चलो अब ध्यान से सुनना, ये सारे वो वाले क्वेश्चन है जो हमने किए हैं, मतलब अभी तक जितना हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है वो उतने क्वेश्चन, आई थिंक 30 क्वेश्चन होंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, मैंने कहा था आप ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड में आपको दिखेगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, वो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई सेंट्रल मेटल एटम मिलेगा, बताया था मैंने, याद है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके साथ लिगेंड जुड़ा होगा, उसके साथ लिगेंड जुड़ा होगा, तो आप देख पा रहे हो सिर्फ एक डी वाला ऑप्शन है जिसमें भैया सेंट्रल मेटल एटम है और उसके साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई पूछेगा कि मैम इसको लिख दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में, तो ये ऐसा होगा, जबकि ये सारे क्या है, ए बी सी क्या है, डबल सोल्ट है, जब आप इनको पानी में डालोगे बच्चे इनके अलग अलग आयंस मिलेंगे, जबकि जो डी वाला है वो जब आप उसको पानी में डालोगे तो उसमें आपको पोटेशियम के आयन मिलेंगे, लेकिन जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, समझ गए कैसे हुआ ये क्वेश्चन, बताओ, बोलो। यस मैम, समझ। अरे बोलो भाई, ये तो क्लास में भी कराया था मैंने। इसके बाद क्या है बच्चे, इनमें से कौन सा डबल सोल्ट है, तो मैंने आपको एलम बताया था,
फिटकरी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, ये रहा एलम का फॉर्मूला, ये रहा, एक सेकेंड, नहीं इसमें नहीं है, मैंने आपको बताया था ना पोटेशियम सल्फेट, और ध्यान रखना बच्चे क्रोम एलम और माइक्रोसोमिक सोल्ट, ये सारे के सारे क्या है आपके, डबल सोल्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है, सारे के सारे डबल सोल्ट है और सारे के सारे पानी में जाने के बाद क्या देंगे, आयंस देंगे, क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, ये वाला करो क्वेश्चन, जब पोटैश एलम पानी में डिजोल्व होगा तो टोटल कितने आयंस मिलेंगे, जल्दी से पेज पलटो, और मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में पोटैश एलम का स्ट्रक्चर, सॉरी फॉर्मूला बताया था, एक बार चेक करो और मुझे बताओ कि पानी में जाने के बाद आपको कितने नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे। देखो ये होता है, मैंने आपको बताया था क्लास में पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट वाटर मॉलिक्यूल, तो जब बच्चे आप इसको पानी में डालोगे ना तो दो आपको पोटेशियम के मिलेंगे, दो आपको एल्यूमिनियम के आयन मिलेंगे, और चार किसके मिलेंगे, तीन यहाँ से एक यहाँ से, चार किसके मिलेंगे आपको, सल्फेट आयन्स मिलेंगे, तो टोटल कितने आयन्स हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर है, बताओ। यस मैम। ठीक है, आप ये पीडीएफ भेज देंगे लास्ट में? हाँ मैं भेज दूंगी, ठीक है, इधर देखो, बताओ इसका क्या होगा, हैंड रेस करो, इस वाले कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बताओ, अपने आप चैट बॉक्स में कोई नहीं बोलेगा, जस्ट रेज योर हैंड, बहुत इजी है, तो बिल्कुल बेसिक सा है, बताओ, और करो बच्चे, और हैंड रेज करो, इतना किया हमने कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस, वेरी गुड, और वेरी गुड, नो नो हैंड रेज हुए, 11, हाँ दिव्या बताओ, 2, वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, कितने लिगेंड है, देखो दो है, डेंटिसिटी इसकी कितनी है, 1 है, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड है, अमोनिया कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, समझे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर है, आगे चलें। यस मैम। ओके, आगे चलो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम, और ध्यान रखना आपको जो डीप लोक एलिमेंट्स हैं उनको याद करना पड़ेगा, उसके बिना गुजारा नहीं है, प्लेटिनम बोलते हैं इसको, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाँ हिमांशी तुम बताओ। मैम 4। गलत। अमन तुम बताओ बेटा। मैम 6। बेटा 4 कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मैम 6 6 होगा, मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड कितने डायरेक्टली अटैच हैं बच्चे, देखो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं तो ऐसा होता है, इस तरह से होता है, तो देखो कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं प्लेटिनम के साथ, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा, ठीक है, गड़बड़ मत करना, सीएल भी तो लिगेंड होता है बच्चे, मैंने आपको कहा था ना लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, आपको पॉजिटिव ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो कई कई बार ही पूछते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं पूछते हैं, तो आपको न्यूट्रल लिगेंड्स और नेगेटिव लिगेंड्स का आइडिया होना चाहिए, आइडिया नहीं पता ही होना चाहिए, वरना गड़बड़ कर दोगे। नेक्स्ट पे आओ, इसका बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे ही बता दो, ओरली बता दो, चलो 6, इजी था, 6 जो है साइनाइड भैया जुड़े हुए हैं, या ऐसे नहीं कर सकते तो सिंपल ऐसे लिख लिया करो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी, डेंटिसिटी नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6, सीएन कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट यानी कि 1, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे चलो, ये वाला बताओ, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय, कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो पहला पॉइंट है नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड ए मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड ए मेटल आयन बाय पाई बॉन्ड, या नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड बाय
सिग्मा और पाई बोथ, या बोल रहे हैं द नंबर ऑफ ओनली अनायनिक लिगेंड, बताओ क्या आएगा इसका आंसर? बोलो बोलो कौन सा आंसर आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन ही पूछ ली इन्होंने डायरेक्ट। सी सी आएगा भैया, पाई बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन नंबर में, डी आएगा, डी वाले तो बिल्कुल ही गलत हो, वो कह रहे सिर्फ अनायनिक लिगेंड कंट्रीब्यूट करते हैं क्या कोऑर्डिनेशन नंबर में? मैम ए बी एम ए ए, पहले तो लिख लो कहीं पे पाई बॉन्ड, लिख लो पाई बॉन्ड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ओनली सिग्मा बॉन्ड कंट्रीब्यूट टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है? भूल के भी मत बोल देना सी वाला और बी वाला। आगे चलो ये वाला करो, आपको क्या बताना है? कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना है, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताने, किसकी? ई की। अब ई क्या है? कोई जनरल इन्होंने सेंट्रल मेटल एटम ले लिया, अब मुझे जल्दी से बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बताओ। पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो बेटा मेरे को। सही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, कितना गलत बोला स्तुति। मैम टू कोऑर्डिनेशन नंबर की तुम ये क्यों नहीं लिखते डेफिनेशन, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। मैम फाइव होगा, एट होगा, एट होगा, कैसे होगा एट? एट ही होगा क्या? मैं मुझे देखने दो एक बार, देखो ई एन क्या है, डेंटिसिटी टू है, और नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? चार, तो इसकी तो होगी इसकी वजह से चार, और सी टू ओ फोर क्या है बताओ? बाइडेंटेट है, तो टोटल लिगेंड एक ही है, डेंटिसिटी है दो, तो फोर और टू कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स हो जाएगा बेटा। समझ में आया कैसे बताओ? बताओ समझ में आया? ऑक्सलेट आयन है ना बेटा ये, देखो। Yes, ma'am, समझ में आ गया है ना, तो बाइडेंटेट हो गया ना ये, तो डेंटिसिटी टू हो जाएगी, नंबर ऑफ लिगेंड एक ही है, तो दो इसकी वजह से चार इसकी वजह से, तो टोटल कितना हो जाएगा? छह हो जाएगा, समझे? हाँ जी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बोलो भैया? टू होगी, अच्छा जी देखते हैं, टू होगी तो देखते हैं, इसकी निकालनी है ना, एक सेकंड ये क्या हो गया, हाँ इसकी निकालनी है, तो ये एक्स हो गया, ई एन क्या है? न्यूट्रल है, तो जीरो। इसकी कितनी होगी? सी टू ओ फोर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा बताओ ना? माइनस कितने का होगा? माइनस टू का होगा, एनओ टू पे कितना होता है? माइनस वन का होता है, तो कितना आ जाएगा? थ्री आ जाएगा, प्लस जीरो, प्लस थ्री होगा। जीरो कहाँ से आ गया? जीरो क्यों बोल रहे हो? इधर देखो ना, इधर देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालनी है एक्स, ये न्यूट्रल होता है, तुम लोगों को ना यही नहीं पता कि न्यूट्रल लिगेंड कौन से होते हैं और यूनि नेगेटिव लिगेंड कौन से होते हैं, तुम्हें चार्ज ही नहीं पता लिगेंड पे, और जबकि मैंने आपको लास्ट टाइम टेबल भी बोला था घर से पढ़ना, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, तुम घर से नहीं पढ़ के आए हो आज, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था चार्ज जब तक नहीं पता करोगे किस पे कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को हिला भी नहीं पाओगे उनके क्वेश्चंस को, तो C2O4 पे भैया ये तो याद रख लो, ये तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, माइनस टू का चार्ज है और NO2 पे भी माइनस वन का होता है, तो निकाल लो इसको सोल्व करके, समझे? बोलो बोलो बोलो, इसको ऐसे तो नहीं लिख रहे ना कहीं, x प्लस जीरो माइनस टू प्लस वन तो नहीं लिख रहे हो ना, इसको माइनस वन लिखोगे? आगे चलो, गलत बात, पढ़ के नहीं आए हो आज, ये प्लस वन भी लिखते तो वन आता, उन्होंने जीरो बोला था। हाँ ये नाइन्थ वाला देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो निकल की क्या होगी बताओ? प्लस टू होगी, जीरो होगी, माइनस वन होगी या प्लस वन होगी बताओ बेटा? मैम जीरो, जीरो। अमन बोल रहा है जीरो, बाकी बाकी बोलो,
जीरो देखो कैसे निकालोगे, जीरो, वेरी गुड। देखो ये क्या है, या तो इसको ऐसे रहने दो, अदरवाइज एक काम करो इस काउंटर आइन को हटा के ऊपर फोर माइनस लगा दो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, वरना इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। देखो निकालते हैं, देखो कैसे होगा, पोटेशियम की प्लस वन होती है, टोटल कितने हैं, फोर है, प्लस निकल का निकालना है, एक्स साइनाइड का माइनस वन होता है, और टोटल कितने हैं, चार, इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस फोर माइनस फोर क्या हो जाएगा, जीरो, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, जीरो, जीरो कर लोगे। आगे चलो, मजा आ रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, मजा आ रहा है क्या, जल्दी बताओ, फील आ रही है क्या तुम्हारी मैम का? yes, ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों का भी ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर हो, तो इसलिए प्लीज रेगुलर रहो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आपको जरूरी नहीं, आपको आपके कोई बुक उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, प्रदीप उठा लो, प्रीवियस ईयर उठा लो, आपको इसके 200-300 क्वेश्चन मिल जाएंगे कोऑर्डिनेशन के। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो ये चैप्टर जितने क्वेश्चन करोगे उतने कम है, मतलब इतने क्वेश्चन है भर भर के, सिर्फ मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर पे ही 40 क्वेश्चन बना दिए, सोचो अभी तो पूरा चैप्टर रहता है। इसकी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बच्चे, कितनी होगी, हवा में तीर मत मारो, निकाल के देखो, क्रोमियम की निकाली है एक्स, वन प्लस टू, इसकी क्या होगी, जीरो होगी, एनएच थ्री की, इसका क्या है, माइनस टू, इज इक्वल टू में पूरे पे चार्ज कितना है, वन, तो कितना आएगा, प्लस थ्री आएगी। देखो जो चार्ज होता है ना कॉम्प्लेक्स पे, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वो इक्वल टू में आता है, प्लस वन का है तो वन आया, अगर मान लो माइनस वन होता तो इक्वल टू माइनस वन आता, इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे चलो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले खुद ट्राई करो। ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है बच्चे तुम्हें, तीन कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, ऑप्शन तुम्हारे आगे हैं, देखो ऐसे तो तुम्हें दिख गया होगा डी है इसका आंसर। देखो पहले इसकी निकालो, कहाँ गया ये रहा, पहले इसमें निकालो क्रोमियम की कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस थ्री, वेरी गुड, ये तो डायरेक्ट है, सिंपल है, एक्स प्लस जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स हो जाएगा प्लस थ्री। इसकी कैसे निकालोगे, देखो ये C6H6 क्या है, बेंजीन है, और तुम्हें पता है बेंजीन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो बेंजीन क्या है तुम्हारा, न्यूट्रल लिगेंड है, क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, तो क्या होगी इसकी क्रोमियम की इस केस में क्या होगी, जीरो, जीरो होगी, जीरो होगी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन या तो ए होगा या डी होगा, अब आपको थर्ड वाला चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, हेलो हेलो, हाँ यश, हेलो, हाँ यश, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ क्लास ले रही थी, अच्छा कोई जरूरी काम है क्या, नहीं 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 क्लास होगी, ओके, अच्छा ठीक ठीक, हाँ ये वाला ट्राई करो। देखो इसको कैसे करना है मैं बता देती हूँ, एक सेकंड रुको, ओके ओके, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं कराती हूँ तुमको, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो K2Cr CN, देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, दो ऑक्सीजन है और एक ये O2 है, समझ रहे हो, ये इसका मतलब है ये दो ऑक्सीजन, सुनाई दे रहा है क्या सबको, यस मैम, अच्छा मेरी बात, ये देखो बच्चे ये दो ऑक्सीजन है और इसका मतलब है O2 है, ये डायटोमिक फॉर्म में, ये मोनोटोमिक फॉर्म में है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है NH3 है, तो आपको क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है क्रोमियम की, तो कैसे निकालोगे, देखो इसका होगा प्लस टू, इसका निकालना है x होगा,
इसकी क्या होगी, माइनस टू होगी। ध्यान देना, ओ पे माइनस टू का चार्ज होता है, ऑक्सो आयन है ये, मैंने आपको दिखाया था, तो माइनस टू का चार्ज होता है। टोटल कितने हैं, टू, तो कितना का हो जाएगा, माइनस फोर। पहले बोलो हाँ या ना। और मैंने तुम्हें बताया था क्लास में कि O2 जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है भैया, कोई चार्ज नहीं होता O2 पे, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल है। इसमें जो ये O2 है ना वो न्यूट्रल नहीं है, पर ऑक्सो है। सुना है ना तुमने ये ऑक्सो, पर ऑक्सो, सुपर ऑक्सो, सुना है ना। पर ऑक्सो में क्या होता है बच्चे, ऑक्सीजन पे O2 पे टू माइनस का चार्ज आता है, ध्यान रखना है इस चीज को। एक मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे होगा माइनस टू, ये एक्सेप्शन है। और NH3 पे क्या होता है, जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो चेक कर लो कितना आया, माइनस टू से प्लस टू कैंसिल, तो आएगा प्लस सिक्स। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बोलो। समझ गए। देखो एक काम करो, इसको अलग से यहाँ पे लिखो। आपके पास ना तीन टाइप के ऑक्सीजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक मिनट मैं लिखवाती हूँ आपको। एक होता है आपका बच्चे ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन होता है जिसपे होता है O2 नेगेटिव। ठीक है, एक होता है बच्चे आपका परोक्साइड आयन, परोक्साइड आयन जिसपे होता है O2 टू नेगेटिव। एक होता है बच्चे सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन में क्या होता है, O2 पे नेगेटिव चार्ज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसा देता है कई बार एग्जामिनर। ठीक है, परोक्साइड में क्या होता है, O2 पे टू नेगेटिव होता है, सुपर ऑक्साइड में O2 पे नेगेटिव होता है, जबकि ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, टू नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया। तो ये वाला कंपाउंड ऐसा है बच्चे जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वैसे तो कॉम्पिटिटिव में आता है, बोर्ड में नहीं आएगा, अगर आता है तो ध्यान रखना। जो ये O2 है ये क्या है बच्चे, ये आपका पर ऑक्सो है। ठीक है, ये आपका क्या है, पर ऑक्सो है। मैम आपने डिस्टिंग्विश कैसे किया कि ये परोक्सो आयन है या सुपर ऑक्सो? जब एक्चुअली जब इसकी IUPAC नेमिंग करी गई ना, जब इसकी IUPAC नेमिंग करी गई, तो इस नेमिंग में देखा गया कि ये ना पर ऑक्सो वाला कंपाउंड है, आई मीन सॉरी पर ऑक्साइड आयन है। ठीक है, जब इसकी IUPAC नेमिंग आप देखोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा भैया ये सिंपल वाला O2 नहीं है, ये सिंपल वाला O2 नहीं है, ये पर ऑक्साइड वाला O2 है। मैम ऐसा क्वेश्चन आएगा तब तो हम ए ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे। छोड़ के आ जाना, छोड़ के आ जाना, और तो क्या ही करोगे। ठीक है, छोड़ के ही आना पड़ेगा। अगर मान लो ऐसा स्टार्टिंग के 15 में आ गया ना तो नहीं छोड़ पाएंगे हम। क्या हुआ स्टार्टिंग के? मैम स्टार्टिंग के 15 करना कंपलसरी है ना, तो उसमें नहीं छोड़ पाएंगे। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, तभी तो मैंने आपको करवा दिया ना, एक्सेप्शनल है ये, बहुत सारे नहीं होते एक्सेप्शनल। ठीक है, ये बच्चे आप तब सीख जाओगे जब आप IUPAC नेमिंग करोगे ना, धीरे 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 धीरे, तब आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस। समझे? हाँ जी बोलो। यस मैम, यस मैम। ओके, ये देखो इसका, ये रहा बच्चे, ये जब आप इसका वो देखोगे ना IUPAC नेमिंग, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परोक्साइड। समझे? अब परोक्साइडो है, या तो मान लो पेपर में ऐसा आएगा, सुनो पेपर में अगर मान लो एग्जामिनर को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना होगा तो वो क्या करेगा, इसके साथ इसका नाम भी दे देगा। अगर इसने इसका नाम दे दिया तो आप अंदाजा लगा लोगे ना कि इसमें परोक्साइड ही है, बताओ। यस मैम। और ध्यान रखना बच्चे, क्रोमियम की या तो आपको प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी, या क्रोमियम की प्लस सिक्स देखने को मिलेगी, क्रोमियम की प्लस फोर जनरली हम नहीं देखते हैं। तो अगर तुम मान लो इसको तुम कह रहे हो स्तुति हम जीरो पुट कर देते, तो अगर तुम इसको जीरो ले लेते इस O2 को, तो तुम्हारी जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना प्लस फोर हो जाती, जबकि क्रोमियम प्लस फोर स्टेबल नहीं होता, क्रोमियम प्लस थ्री और क्रोमियम प्लस सिक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो तुम ऐसे भी सोच सकते थे और इवन ऐसा ही सोचना है। ठीक है, ये तुम्हें कैसा पता चलेगा मैम कौन सी ज्यादा स्टेबल है कौन सी नहीं है, वो धीरे धीरे धीरे, अभी तो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुआ, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। जब हम वो करेंगे ना सीएफटी, तब मैं आपको बताऊंगी ये क्यों स्टेबल है। ठीक है जी, चल बाकी आप जो है घर से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो, जो ये है आयरन का, आयरन का अभी मैंने बताया ना कि इसमें एनओ कैसे बिहेव करेगा, इसमें एनओ की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, प्लस वन होगी, तो प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस फाइव प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, प्लस
कितना आ जाएगा, प्लस टू आ जाएगी, कर लोगे बताओ? बाकी जो है मैम प्लस घर, वन होगा ना मैम, प्लस वन कैसे होगा बच्चे? 5 माइनस 5 प्लस 4 हो जाएगा ना, 3 और 1 है तो ओके उधर ओके मैम, जाके। चार एक थ्री होगा ना मैम उसका। सो ओके सॉरी, सो सॉरी, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। ओके 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 एक सेकेंड रुकना, जो मैंने बताया था वो क्या था? FeCN5NO, लेकिन इसके अंदर तो Na प्लस ले रहे थे। एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा। एक मिनट रुको। ओके अच्छा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है समझ गए समझ गए। ध्यान से सुनो भाई, हाँ ध्यान से सुनो, जो मैंने अभी आपको वो वाला कंपाउंड बताया था ना, उसमें Na2 था। इसको आप थोड़ा सा वो मत कर देना, जैसे मैंने अभी गलत इसको समझ लिया था। जब ये वाला आपको कंपाउंड मिलेगा तब आप एनओ प्लस लोगे, लेकिन इसके अलावा कुछ भी मिलेगा तो उस केस में आप एनओ को न्यूट्रल लिगेंड ही मानोगे। तो अगर इसको न्यूट्रल लिगेंड मानोगे तो क्या होगा, +3x-5, ये 0 होगा, इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा +2 हो जाएगा। और वैसे भी +1 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है ध्यान रखोगे इस चीज को, अगर आपके पास, बहुत जरूरी है ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी गड़बड़ कर दी थी तुम मत कर देना। ये देखो अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता है ना तुम लोगों को, तो आप एनओ को +1 लोगे। अगर इसके अलावा कुछ मिलता है तो एनओ को आप न्यूट्रल लिगेंड ही कंसिडर करेंगे। ठीक है जी बताओ, जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ओके स्टार लगा लिया करो स्टार। वैसे तो ये सिंपल है, इसमें तो नॉर्मल जो आप एनओ को न्यूट्रल लिगेंड लेते हो वही लिखना है। जो मैंने आपको नोट्स में ऐसे स्टार बना के लिख रखा है बस उनको ध्यान रखना, ठीक है उनको ध्यान रखना। ठीक है ओके ठीक है चलो, बाकी तुम घर के लिए कर लेना। ठीक है अभी के लिए ये क्लास मैं यहीं पे ही खत्म ओवर कर रही हूँ। ठीक है तो हम मिलते हैं वेंसडे को।